हेलो एवरीवन, दिस इज अर जगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 64 सॉल्व करूंगा, जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर से है। यदि यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर। पहला सेंटेंस है आई सावरम प्ले। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वर्ब में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव जो कि विदाउट टू है, तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही आसान है। क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टेंस के अनुसार जैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं कर लेंगे, और इसके पहले सबसे लास्ट में टू लगाकर लिख देंगे, ठीक है। तो राम, पहले राम को सब्जेक्ट बनाएंगे, राम वाज सीन, उसके बाद प्ले है तो प्ले से पहले टू लिख देंगे, टू प्ले, इन्फिनिटिव में इसे बदल देंगे। आई सॉ राम प्ले, तो राम वाज सीन टू प्ले। अब है दे मेड अस लाफ, तो अस को कन्वर्ट कर देंगे वी में, वी वेयर मेड, इसके बाद टू लाफ, टू लाफ। अब है He made us work, तो us को कन्वर्ट कर लेंगे we में, where made we were made to work। अब है we found the boy guilty। एक चीज ध्यान देना है कि यदि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के ठीक बाद कोई कंप्लीमेंट हो तब जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद जो है कंप्लीमेंट, इसे क्या करेंगे, हम पहले इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और इसे टेंस के अनुसार हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, और वर्ब के बाद इस कंप्लीमेंट को लिख देना है। तो द बॉय वाज फाउंड, द बॉय वाज फाउंड, ठीक है, द बॉय वाज फाउंड। अब जो ये वर्ब है इसके ठीक बाद इस कॉम्प्लीमेंट को लिख देना है गिल्टी, अब है दे कॉल्ड हिम ए फूल। यहां पर भी सेम थिंग है, तो पहले हम हिम को कन्वर्ट कर लेंगे ही में, ही वाज कॉल्ड, ठीक है। अब वर्ब के ठीक बाद यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट है ए फूल, इसे लिख देना है ए फूल, ही वाज कॉल्ड ए फूल। अब है वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, तो यहां पर भी पहले हम हिम को कन्वर्ट ही में करेंगे, ही वाज इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड। अब वर्ब के ठीक बाद यहां पर जो है कॉम्प्लीमेंट, इसे हम लिख देंगे आवर लीडर, वी इलेक्टेड हिम आवर लीडर, ही वाज इलेक्टेड आवर लीडर। अब है द पीपुल विल मेक हिम चेयरमैन, तो यहां पर भी हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे ही। अब है द पीपुल विल मेक हिम, तो ही विल बी मेड, ठीक है, टेंस के अनुसार इसे हम पैसिव में कन्वर्ट कर दिए, ही विल बी मेड। अब वर्ब के ठीक बाद चेयरमैन जो कि कॉम्प्लीमेंट है इसे लास्ट में लिख देना है चेयरमैन। अब है पीपुल कंसीडर हिम ड्राई ऑनेस्ट, तो इसे भी हम टेंस के अनुसार पैसिव में पहले कन्वर्ट करते हैं, ही इज considered, he is considered a verb के ठीक बाद dry honest, ठीक है। अब है we made Ram our captain, तो Ram was made, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आवर कैप्टन, आवर
है दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, ठीक है सेम है, तो ही वाज इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड, ही वाज इलेक्टेड, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है लास्ट में लिख देंगे देयर लीडर। अब है दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है ठीक है, तो पहले हिम को कन्वर्ट ही में कर लेंगे, ही वाज फाउंड, ही वाज फाउंड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे गिल्टी ऑफ मर्डर, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ही वाज फाउंड, और भर के ठीक बाद कॉम्प्लीमेंट गिल्टी ऑफ मर्डर। दे गेव हर ए कप ऑफ स्वीट वाइन, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है हर और दूसरा है ए कप ऑफ स्वीट वाइन, तो हर हो गया पर्सनल या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए कप ऑफ स्वीट वाइन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ज़्यादा बेहतर रहता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाए, किंतु यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपको ज़्यादा फोकस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर करना है तब आप इसे ही सब्जेक्ट बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु ज़्यादा बेहतर होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाए। दे गेव हर ए कप ऑफ स्वीट वाइन, तो हर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सी वाज गिवन ए कप ऑफ स्वीट वाइन, दे गेव हर ए कप ऑफ स्वीट वाइन, सी वाज गिवेन ए कप ऑफ स्वीट वाइन। इसे आप इस तरीका से भी बना सकते हैं कि ए कप ऑफ स्वीट वाइन वाज गिवेन हर, ठीक है। अब है गोपाल गेव मी ए प्रेजेंट, तो आई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, आई वाज गिवेन ए प्रेजेंट, गोपाल गेव मी ए प्रेजेंट, आई वाज गिवेन ए प्रेजेंट, ठीक है। इसे आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं कि ए प्रेजेंट वाज गिवेन मी, ठीक है। गांधी जी टाउट अस द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसे ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे और वी में कन्वर्ट कर देंगे, वी वेयर। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. The lesson of non-violence, ठीक है, इसे आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, the lesson of non-violence को भी subject बनाकर बना सकते हैं। The manager will give you a ticket, तो हम इसे subject बनाएंगे, You will be given a ticket. The manager will give you a ticket. तो you will be given a ticket. इसे आप direct object को भी आप subject बनाकर बना सकते हैं, ठीक है। अब है he teaches me English. तो आई इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आई एम टाउट, ही टीचेस मी इंग्लिश, आई एम टाउट इंग्लिश। अब है वी ऑफर्ड हर ए चेयर, तो हम हर को ही सब्जेक्ट बनाएंगे सी में कन्वर्ट करके, सी वाज ऑफर्ड ए चेयर। अब है ही प्रोमिस्ड मी ए प्राइज, तो मी को हम आई में कन्वर्ट करके इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, आई वाज प्रो
promised a prize. Mr. Sinha teaches us English. तो us को ही हम subject बनाएंगे और we में convert कर देंगे. We are taught English. My brother gave my friend a beautiful pen. तो my friend जो कि indirect object है इसे ही हम subject बनाएंगे, ठीक है. तो my friend was given a beautiful pen. A beautiful pen. He made his wife do the work. यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि do the work ये infinitive है without to, इस बात को ध्यान रखेंगे. और his wife को subject बनाएंगे. His wife, ठीक है, was made. His wife was made. यहां तक ठीक है. अब क्या करेंगे? To do the work. To do the work. यानी कि टू लगाकर इसे इन्फिनिटिव में बदल देना. द किंग गेव हिम ए रिवार्ड. इस बार मैं क्या करूंगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसे ही मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है. आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं. ए रिवार्ड, ए रिवार्ड वाज गिवन हिम. The king gave him a reward. A reward was given him. इसे आप indirect object को भी subject बनाकर बना सकते हैं. He was given a reward. ठीक है. The guide showed the visitors many beautiful places. तो the visitors को subject बनाते हैं. The visitors were showed, उसके बाद many beautiful places. अब someone saw him pick up the purse. तो he was seen, उसके बाद pick up the purse. अब है the teacher explained us, ठीक है, the easiest way to solve the problem. तो we को us को we में convert करके subject बना लेंगे. We were explained. We were explained. उसके बाद the easiest way, the easiest way to solve the problem. The lawyer gave me the details of the case. तो I was given the details of the case. The judge found the accused guilty of murder. So the accused was found उसके बाद guilty of murder. अब है I regard him as my elder brother. तो पहले he को him को he में convert कर लेंगे. He is regarded
एज माय एल्डर ब्रदर, एज माय एल्डर ब्रदर। अब है वी कैन गिव यू ए चांस, यू कैन बी गिवेन, यू कैन बी गिवेन ए चांस। माई ब्रदर विल गिव यू ए बुक, तो यू विल बी गिवन, यू विल बी गिवेन, यू विल बी गिवेन ए बुक, ए बुक। माई ब्रदर विल गिव यू ए बुक, यू विल बी गिवेन ए बुक। अब ही हैंडेड मी ए बॉटल, तो आई वॉज हैंडेड, आई वॉज हैंडेड ए बॉटल। अब है वी चूज हिम आवर लीडर, तो ही वॉज चूजन, ही वॉज चूजन आवर लीडर, आवर लीडर। अब है कि द वार्निंग मेड हिम अलर्ट, तो ही वॉज मेड अलर्ट, द वार्निंग मेड हिम अलर्ट, तो ही वॉज मेड अलर्ट। हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम गोपाल, ही वॉज named Gopal। I find no one against me, तो no one is found against me। They asked the child his name, तो the child, the child was asked his name। My father bought me a bicycle, I was bought a bicycle। He passed the door open, the door was pushed open। We cannot pump the ocean dry, the ocean can not be pumped dry। We cannot pump the ocean dry, the ocean cannot be pumped dry। Now we painted the house green, the house was painted green। He kept me waiting, तो I was kept waiting, he kept me waiting, I was kept waiting। I saw him beating his brother, beating his brother को last में लिख देंगे। He was seen beating his brother। Regular exercise can make one's muscles strong and healthy, तो one's का लूप हो जाएगा, ठीक है, muscles को subject बनाएंगे, muscles
कैन बी मेक्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बाय रेगुलर एक्सरसाइज। यहां पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक था। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो ही वाज रिफ्यूज्ड, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस। द डॉक्टर गेव हिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, तो क्या करेंगे, ही वाज गिवेन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। The doctor gave him artificial respiration. He was given artificial respiration. अब है, no government can offer everyone of us employment. तो क्या करेंगे? Everyone of us, everyone of us can not be offered employment. No government can offer everyone of us employment. So everyone of us cannot be offered employment. He showed me how to jump. So me ko subject banayenge. I was showed, उसके बाद हाउ टू जंप लास्ट में लिख देना है, हाउ टू जंप। वन डे आई विल टीच यू अ लेसन फॉर ऑल दैट यू हैव डन अगेंस्ट मी। यहां पर ध्यान देना है कि आई विल टीच यू अ लेसन, यहां पर भी दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसा कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसे ही सब्जेक्ट बनाएंगे, यू, ठीक है। विल बी, यू विल बी टाउट, ठीक है। इसके बाद अ लेसन फॉर ऑल दैट यू हैव डन अगेंस्ट मी, यहां से यहां तक आपको पूरा लिख देना है, ए लेसन फॉर ऑल दैट यू have done one day I will teach you a lesson for all that you have done against me, you will be taught a lesson for all that you have done against me। अब है, दे अलाउ मी ओनली 50 रुपीज पर मंथ, तो मी को कन्वर्ट करेंगे आई में, आई एम अलाउड, आई एम अलाउड ओनली 50 रुपीज पर मंथ, ओनली 50 रुपीज पर month, they allow me only 50 rupees per month, I am allowed only 50 rupees per month। अब I told him what to do, तो him को convert कर लेंगे he में, he was told, he was told what to do, what to do। they promised me higher wages, तो मी को कन्वर्ट कर लेना है आई में, आई वाज
promised. They promised me higher wages. I was promised higher wages. Anybody can tell you the fact. So you can be told the fact. Anybody can tell you the fact. You can be told the fact. They asked me a very difficult question. So I was asked a very difficult question. They gave me a watch for my birthday. I was given a watch for my birthday. Someone told me the news this morning. I was told the news this morning. Nobody has beaten my brother in race. So my brother has not been. My brother has not been beaten in race. We shall have to discuss the matter again. The matter will have been discussed again. Our teachers expect us not to make noises in the class. So we are expected. ठीक है, we are expected. उसके बाद not to make noises in the class. Not to make noises in the class. We saw a tiger approaching. तो a tiger was seen approaching. A tiger was seen